हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ इन्हें आप एक बार बना लो और महीनों तक स्टोर भी रख सकते हो बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये ये बहुत ही टेस्टी और खस्ता बन के तैयार होती है तो चलिए जल्दी से शुरू कर दें बनाना हेलो दोस्तों मैं हूँ सीमा आपका स्वागत है मेरे चैनल में इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें दो कटोरी गेहूँ का आटा लेना है अब हमें इसमें मोइन के लिए एक बड़ा चम्मच तेल डालना है आप चाहो तो यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हो अब तेल को हम आटे में अच्छी तरह से मिला लेंगे मोइन हमारा परफेक्ट है या नहीं मुट्ठी बांध कर चेक कर लेंगे अगर आपको यहाँ पे तेल कम लगे तो और भी डाल सकते हो आटे को अब हम साइड में रखेंगे तो अब हम एक कटोरी चीनी लेंगे क्योंकि हमने दो कटोरी गेहूँ का आटा लिया है चीनी को हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें हम आधा गिलास पानी डाल देंगे अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो यहाँ पे आप दो कटोरी चीनी ले सकते हो यहाँ पे हम चीनी को पूरी तरह से घुलाएंगे नहीं सिर्फ एक या दो बार इसे मिला लेंगे अब इसे मिलाते हुए हम आटे में इसे थोड़ा थोड़ा करके मिला लेंगे इसी चीनी के पानी से हमें यहाँ पे सख्त आटा लगा के तैयार करना है इस तरह से आटा लगाने से क्या होगा कि हम जो नाश्ता बनाने वाले हैं उसमें चीनी को पूरी तरह से दिखना जरूरी है आटा हमारा तैयार हो चुका है अब इसकी हमें एक बड़ी सिलोई बना के तैयार करनी है लोई को हमें बड़ी साइज में ही बनाना है इस तरह से क्योंकि अब जो हम रोटी बेलेंगे वो मोटी होनी चाहिए पतली नहीं लोई बनाने के बाद अब हम बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लेंगे रोटी बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे न तो हम तेल का यूज़ करेंगे और ना ही सूखे आटे का रोटी हमारी बन के तैयार है हम एक बोतल का ढक्कन लेंगे और इस तरह से छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे तो फ्रेंड्स आज हम गेहूँ के आटे के बिस्किट बनाने वाले हैं इन्हें आप एक बार बना लोगे तो हमेशा इसी तरह से इन्हें बना के खाओगे पीस कट करने के बाद साइड का आटा है वो हम हटा लेंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारे बिस्किट बनके तैयार हो चुके हैं इन्हें मोटा ही रखना है इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए आटे के भी बिस्किट बना के तैयार कर लेंगे यहाँ पर अगर आपको और कोई सेप पसंद हो तो वो भी पीस कट कर सकते हो बहुत ही इजी है बनाना अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने की प्रोसेस में गैस पर कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम थोड़ा तेल गरम करेंगे तेल को हमें पहले हाई फ्लेम पर गरम करना है और फिर इन्हें फ्राई करते समय गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही इन्हें उलटते पुलटते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे अगर हम इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से कच्चे रह जाएंगे इन्हें फ्राई होने में पाँच से सात मिनट का टाइम लगेगा और जितना हम इन्हें लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे उतने ही ये अंदर से बहुत ही खस्ता बन के तैयार होंगे इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने देना है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो इनका कलर चेंज हो चुका है अगर आप चाहो तो ये नाश्ता चाशनी वाला भी बना सकते हो बस हमें आटे में चीनी नहीं मिलानी है और चाशनी बना के तैयार करनी है ये बेच हमारा बनके तैयार हो चुका है इन्हें हम एक प्लेट में निकालेंगे और इसी तरह से बाकी का बचा हुआ नाश्ता भी बना के तैयार कर लेंगे तो फ्रेंड्स मार्केट वाले बिस्किट खाना छोड़ दो और इस तरह से आप घर पे बना सकते हो इन्हें बहुत ही इजी है इन्हें बनाना और घर के सामान में ही बन तैयार हो जाते हैं ये मार्केट से हमें कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है सारा नाश्ता बन रेडी हो चुका है तो ये लीजिए फ्रेंड्स गेहूँ के आटे में ढेर सारा नाश्ता बन हमारा तैयार हो चुका है इस नाश्ते में जो चीनी ऊपर से दिख रही है वो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और इस तरह से अगर आप ये नाश्ता बनाओगे तो ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा इस नाश्ते को देखकर आपके बच्चे इस पर टूट ही पड़ेंगे इस तरह से नाश्ता बनाकर आप बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हो एक बिस्किट मैं आपको तोड़ के बताती हूँ ये अंदर से बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुए हैं तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप कब ट्राई कर रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू